हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू दम जो खाने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद से खाएंगे। फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने छोटे साइज का आलू ले लिया था, उसे मैंने उबाल के और छील लिया है। अब इसे हम टूथपिक की सहायता से इसमें होल कर देंगे ताकि जो ग्रेवी हम बनाएंगे इसमें अच्छे से जाए और ये अंदर तक अच्छे से ग्रेवी के साथ पके। तो ऐसे ही हमें सारे आलूओं में होल कर लेना है। मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, लाल मिर्च लिया है मैंने, थोड़ा सा धनिया, काली मिर्च, दो लौंग, एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची और एक हमने दालचीनी लिया है और लहसुन मैंने लिया है और प्याज को कट करके रखा था। अब कुकर गरम करके हमने इसमें तेल डाल दिया। तेल हमें बिल्कुल कम डालना है इसमें, मैंने आधा चम्मच तेल डाला है, छोटे साइज का चम्मच था। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल के और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज में नमक को अच्छे से मिक्स कर लेना है और ढक्कन बंद करके हम कुकर का और इसे दो सीटी आने देंगे, तब तक जब तक ये कुकर में सीटी लगती है तब तक हम आलू को फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में हमने तेल डाल के गर्म कर लिया है। अब इसमें जो आलू हमने रखा है उबाल के वो इसमें हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमने गैस के फ्लेम को हाई रखा है और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि चारों तरफ से ये आलू पकेगा। इसे हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, इसलिए हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। देखिए आलू कितने अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। हमें ऐसे ही सारे आलू को निकाल लेना है। कढ़ाई में जो तेल बचा है उसी में हम आधे चम्मच जीरा, एक तेजपात और जो हमने खड़े मसाले रखे हैं वो हम इसमें डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। इसमें हमने लाल मिर्च, धनिया, बड़ी इलायची हमने सब कुछ डाला है और लहसुन जो हमने काट के छील के रखा था वो भी हम इसी में डाल के और इसे हल्का फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन अच्छे से पक जाए। लहसुन देखिए अच्छे से फ्राई हो रहा है। इसे हमें हल्का ब्राउन होने के बाद ही हम इसमें प्याज डालेंगे जब तक लहसुन पक न जाए। अब हमने ये कुकर में आज जो प्याज गलाया था वही मैंने इसमें डाला है, इससे प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाता है कुकर में गलाने से। मैं इसमें टमाटर नहीं डाल रही हूँ, आपको अगर पसंद हो तो आप टमाटर डाल सकते हैं। अब इसमें हम आधे चम्मच गरम मसाला, आधे चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधे चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाला है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, आपको जैसा तीखा पसंद हो। अब इससे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे सारे मसालों को। हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि प्याज अच्छे से पक न जाए। बिल्कुल सॉफ्ट हमने करना है इस मसाले को, जो प्याज है हमारा अच्छे से गले। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाला और अच्छे से पके। पानी डाल के हमें इसे और पकाना है। हमें बिल्कुल सॉफ्ट मसाले करके पकाने हैं, बिल्कुल प्याज गल जाए। और हमने आधे चम्मच नमक और डाल दिया और एक मिर्च हमने काट के डाला है। नमक हमने प्याज गलाने के टाइम भी डाला था और मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं। इसमें हमने आलू जो फ्राई करके रखा है वो हम इसमें डाल के और अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ कि हमारे सब्जी का कलर कितना अच्छा दिख रहा है। अब इसमें हम आधे गिलास पानी डाल दिए हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा, ग्रेवी आपको जैसे पसंद हो। अगर जो आपको पतली ग्रेवी पसंद हो तो आप ज़्यादा पानी डालिए और इसे हम ढक के 5 मिनट तक पकाएंगे। देखिए सब्जी कितनी अच्छी दिख रही है। और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट
करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद ही कमेंट कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंचे और आप उसे देखें भी अच्छे से। और प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इसके बाद ही आप कमेंट करें, ताकि रेसिपी कैसी लगी फुल वॉच करने के बाद ही आप लोग को समझ में आएगा। और देखिए सब्जी हमारी कितनी परफेक्ट बन के तैयार हुई है। और आपको अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं इसे सर्व करके आपको दिखाती हूँ सब्जी का कलर और सब्जी आपको कैसी लग रही है। बिल्कुल सॉफ्ट आलू बना है ये, देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ।